आज हम OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या वसवसों की बीमारी के बारे में बात करेंगे। OCD जो है ये एक काफ़ी आम पाए जाने वाली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आमतौर पे 2 से 3% लोगों में लाइफ में ये OCD की प्रॉब्लम होने का रिस्क होता है, और OCD की बीमारी जो है उसको आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि कोई इंसान बार बार हाथ धो रहा है या बार बार साफ सफाई कर रहा है या बार बार कोई चीज़ को चेक कर रहा है तो शायद इसको OCD है। ये ऑब्सेसिव सिम्टम्स हैं, लेकिन OCD की बीमारी जो है उसमें इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो देखते हैं कि OCD की बीमारी में क्या क्या होता है। सबसे पहले देखें तो सबसे कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं वो क्लीनिंग के होते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे उनके हाथ गंदे हैं या उनके कपड़े गंदे हो गए, उनके कपड़ों पे छींटे उड़ गए या वो नापाक हो गए, या फिर ऐसा लगता है कि उनका जो है बिस्तर गंदा हो गया या जो टेबल है या फर्शी है वो गंदी है। तो ये लगता है, लेकिन इसका लगना इतना ज़्यादा होता है कि इंसान मजबूर होता है कि उसकी वजह से वो उन चीज़ों को साफ़ करता है, और कई मर्तबा साफ़ करने के बाद भी इंसान को इत्मीनान नहीं होता कि मैंने जो किया है उससे ये सफाई हो गई, वो फिर भी जो है डाउट में रहता है। इसकी वजह से बार बार साफ़ करना, बार बार साफ़ करना, बार बार धोना, ये जो है कंपल्शन जो होता है ये इसके अंदर देखा जाता है। पहला ऑब्सेशन होता है, यानी एक सोच आती है, एक वसवसा आता है कि मैं साफ़ नहीं हूँ, ये मैं गंदा हूँ या ये चीज़ गंदी है, और फिर कंपल्सिवली उसको साफ़ करना यानी मजबूरन बार बार उसको क्लीन करना, ये एक सिम्टम होता है। दूसरा कॉमन सिम्टम जो होता है वो ऑब्सेशन के अंदर होता है चेकिंग का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भाई मैंने लाइट का बटन ऑफ किया कि नहीं, तो इंसान बार बार जाएगा चेक करेगा, बार बार जाएगा चेक करेगा, 2 बार 3 बार 4 बार उसको चेक करते रहेगा। या फिर ऐसा होता है डाउट कि भाई मैंने गाड़ी के अंदर गाड़ी को लॉक किया कि नहीं, दरवाज़ा लॉक किया कि नहीं, या फिर ऐसा लगता है कि भाई मैंने जो है पैसे बराबर अलमारी में रखे कि नहीं, जेब में मैंने पैसे गिन के नहीं रखे। तो इस किस्म के जो है डाउट्स इंसान को आने लगते हैं, और उसको उसके बाद कंपल्शन चेकिंग का होता है, वो फिर वो बार बार चेक करता है। इसके अलावा कुछ लोगों में ये ऑब्सेशन होता है कि मैं चीज़ों को जमा करूँ, मैं किताबें जमा करूंगा, मैं कपड़े जमा करूंगा, मैं जो है कोई और चीज़ को बार बार जमा करता रहूंगा। कई लोग ऐसे होते हैं, ऐसी चीज़ें जो कि प्रैक्टिकली यूजलेस है लेकिन उसको जमा करते रहते हैं, पुराने कपड़े हैं, कुछ भी हैं, उनको जमा करते रहते हैं। उनको जमा करने में जो है करने का ख्याल इतना ज़्यादा होता है कि फिर उनके घर के अंदर जगह नहीं होती, लेकिन फिर भी वो चीज़ें जमा करते हैं। एक एग्जाम्पल, एक पेशेंट था मेरा जिसको कैडबरीज चॉकलेट को जमा करने का ऑब्सेशन था। तो उसने कई सालों से कैडबरीज जो है वो अपनी एक अलमारी में जमा करके रखी हुई थी, खाता नहीं था, बस जमा करता था। बस एक दिमाग में एक वसवसा आता था, एक ऑब्सेशन आता था कि बस जमा करना है, रखना है। ऐसे ही मेरा एक पेशेंट है, उसको ये ऑब्सेशन है कि मैं दवाएँ जमा करूँ। तो वो क्या करता है, अगर मेडिसिन उसकी है तो भी आके बोलेगा सर मुझे दवा दो, सर मुझे दवा दे दो, थोड़ी दिन की बढ़ा के दे दो। क्यों? क्योंकि मेरे उसको डर रहता है कि भाई मेरे पास रहनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल ऐसी होल्डिंग करते हैं लोग, बहुत सारी चीज़ों को जमा करने लगते हैं। फिर एक टाइप ऑफ ऑब्सेशन होता है जो कि थॉट होता है कि अगर कोई चीज़ मैं इतनी बार करूँगा तो ही मेरी जो है वो काम बराबर होगा। तो हर काम को 3 बार या 6 बार या 9 बार या 12 बार रिपीट करते हैं। जब तक उतनी बार रिपीट नहीं करते ना, उनको ऐसा इत्मीनान नहीं होता, उनको ऐसा लगता है कि भाई कुछ लाइफ के अंदर कुछ अधूरा रह गया है। तो इसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो लिटरली जो है ये ऑब्सेशन इंसान की लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम इसमें उसका जाने लगता है। फिर एक और टाइप ऑफ ऑब्सेशन होता है जो काफ़ी कॉमनली देखा जाता है, वो ये है कि रिलीजियस ऑब्सेशन आते हैं कि जो है खुदा के बारे में या नबी के बारे में, या फिर कोई रिलीजियस पर्सनैलिटी है, जैसे कोई भगवान है, कोई जो है सेंट है, तो उनके बारे में जो है गंदे विचार आने लगते हैं। उनके बारे में जो है ऐसे विचार जो कि जो है जिस बारे में सोचना जो है वो गलत है, ऐसे सोच आने लगते हैं। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनके लिए मुंह में गालियां आने लगती हैं। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनके लिए जो है उनके जो है शर्मनाक तस्वीरें उनके दिमाग में आने लगती हैं।
तो कुछ भी दिमाग में आने लगता है। जैसे एक पेशेंट था मेरा, वो बोलता था मैं जैसे कुरान पाक को देखता हूँ तो मुझे ऐसा नजर आता है कि वो कुरान पाक जो है वो टॉयलेट में है, उस अंदाज में है। तो उसकी वजह से क्या है कि वो उसको बहुत ज्यादा गिल्ट फील होने लगता है, और वो गिल्ट की वजह से क्या होता है कि वो इंसान वो चीज़ों को अवॉइड करने लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पूजा करना अवॉइड करेंगे, नमाज पढ़ना अवॉइड करेंगे, मस्जिद में जाना अवॉइड करेंगे, और फिर वो और गिल्टी फील करते हैं कि हम बहुत बुरे हैं, हम बहुत ज़्यादा मतलब गुनहगार हैं, पापी हैं हम। तो ऐसी फीलिंग्स जो हैं वो इंसान को आने लगती हैं। इसी तरीके से सेक्सुअल ऑब्सेशंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंसान को और अचानक ऐसे गंदे ऑब्सेशंस आने लगते हैं, उसको लगता है कि मैं ऐसा कैसा सोच सकता हूँ अपनी जो है क्लोज रिलेटिव्स, जैसे फॉर एग्जांपल मदर के लिए या फादर के लिए या अपने बच्चों के लिए या बहन के लिए, मतलब ऐसे थॉट्स जो कि इंसान सोच नहीं सकता, सोच नहीं सकता, जैसे कि कोई जो है रिलीजियस पर्सनैलिटी के लिए, कोई डीटी के लिए, कोई भगवान के लिए या खुदा के लिए, नबी के लिए, ऐसे जो है थॉट्स आने लगते हैं। तो मतलब ये सब जो थॉट्स होते हैं ये इंसान के कंट्रोल के बाहर होते हैं, और वो थॉट्स जो है उसकी वजह से उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, और वो जो है उसकी वजह से बार बार जो है कुछ कंपल्शन करेगा, या तो इतनी बार जो है बोलेगा मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसा खुद को बोलेगा, या फिर ऐसी रिकॉर्डिंग करेगा कि मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, तो उसको रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड करके बार बार सुनेगा। तो मतलब एक लिमिटलेस काइंड ऑफ ऑब्सेशन है। मैं तो ये बोलता हूँ जितने किस्म के विचार आ सकते हैं, ख्याल आ सकते हैं इंसान को, उतने टाइप के उसको ऑब्सेशंस हो सकते हैं। तो ये जो बीमारी है बेसिकली इसको ट्रीटमेंट के जरिए से और मेडिसिन के जरिए से ठीक किया जा सकता है, और इसके अंदर क्या करना पड़ता है कि इसकी मेन वजह हमको समझना पड़ता है कि हमारे ब्रेन में जो सीरोटोनिन नाम का जो केमिकल है उसके लेवल्स कम होने से ये बीमारी होती है। तो सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल मेडिसिन होती हैं जो बहुत अच्छे से असर करती हैं, और उससे जो है ये इस बीमारी को अच्छे वक्त तक अगर आप ट्रीट करेंगे तो ये ठीक भी हो सकती है। इसके अलावा काउंसलिंग है, थेरेपी है, जैसे एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन है। आमतौर पे ये डाउट होता है कि भाई मैं अगर हाथ इतनी बार नहीं धोऊंगा तो मैं साफ नहीं होऊंगा, या मेरे हाथ गंदे हैं, तो उनको जो है एक्सपोज किया जाता है सिचुएशन को कि नहीं आपने टेबल को हाथ लगाया तो आपके हाथ गंदे नहीं हुए, या एक बार आपने हाथ धो लिया तो आपका हाथ साफ हो गया। थेरेपिस्ट जो है वो उसको अपनी सुपरविजन में ये प्रैक्टिस कराता है, एक बार हाथ धो के हट जाना है। फिर चाहे बेचैनी हो, घबराहट हो, आपको नहीं करना है। जितना आप उस ख्याल को रेजिस्ट करेंगे, अवॉइड करेंगे, आप उतना जल्दी ठीक होंगे, और जितना आप कंप्लाई करेंगे, आप कंपल्शंस को रिपीट करेंगे, उतना आपके वो बीमारी और बढ़ती जाती है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी थेरेपीज हैं जिनके जरिए से ओसीडी की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी ऐसी और वीडियोस आएं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।